देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वक्त हम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये फैसला किया है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, इसमें 500 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हालांकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10 मई को इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और इसको लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। ये एक मेकशिफ्ट 500 बेडों का आईसीयू हॉस्पिटल बनेगा जिसमें लोगों के इलाज के लिए जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से भी मंगवाए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आईसीयू हो, तमाम चीज़ें हों। और इस सब के बीच जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज 3,80,000 के करीब पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में भी इसी रफ्तार से 25,000 से ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में हुए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इस रामलीला मैदान, जो कि एक ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, और यहीं से अन्ना आंदोलन के कोख से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वजूद सामने आया था, और यहीं पे अब ये फैसला किया है केजरीवाल सरकार ने कि 500 बेडों का आईसीयू हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन रात 24 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है। काम चल रहा है, इसका क्या है, कब तक बनेगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या इसका? सर वैसे हमारा अल्टीमेटम है 10 तारीख तक इसको कम्प्लीट करके देने का, बाकी हम लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी पूरा करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे हम ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। कितने मजदूर काम कर रहे हैं आप? सर अप्रोक्स 300 से 500। 24/7 काम कर रहे हैं? हाँ। और ये बताइए कि क्या है इसका, क्या बना रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 500 बेड का सुना है क्या? ये आइसोलेशन सिस्टम है जो कि हमारे पेशेंट हैं कोरोना के, उनके लिए सारा, ये दोनों पंडाल देख रहे हैं आप, ये पूरा बेडिंग सिस्टम रहेगा, ये वाला पंडाल भी और ये वाला पंडाल भी बेडिंग सिस्टम रहेगा। बाकी उधर से हमारे पेशेंट की एंट्री होगी, वहाँ पे काउंटर रहेगा जहाँ पे हमारे पेशेंट आएंगे और उनकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम इसमें शिफ्ट करेंगे इनको। बीच वाला एरिया डोनिंग डोफिंग एरिया रहेगा जिसमें हम पार्टीशन देंगे कि पेशेंट आए तो वो क्लियर है तो फिर उसके बाद जाने के लिए उसको फिर सैनिटाइज करके भेजने के लिए पूरा टनल सिस्टम रहेगा, सैनिटाइजेशन टनल। और ये नेक्स्ट वाला, ये हमारे डॉक्टर का रूम रहेगा, ये पूरा सेपरेट रहेगा, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं। डॉक्टर आएगा इसमें से अपना सारा इक्विपमेंट लेते हुए पेशेंट्स के पास आएंगे। डॉक्टर कहाँ के रहेंगे? डॉक्टर दिल्ली गवर्नमेंटेड रहेंगे। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल ऑपरेट करेगा इसको? सर इसकी अभी हमें ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हाँ, LNGP की तरफ से आएंगे, ये ऑफिशियल है, वो उनके ऊपर है सर। अच्छा। ये हमें कॉन्टेक्ट को नहीं बता सकते ना। अच्छा, ये है आपका। और ये 500 ICU बेड होंगे? जी हाँ, वेंटिलेशन बेड, वेंटिलेशन जी हाँ। और कब तक इसको इनॉग्रेट करेंगे? सर 10 तारीख तक का अल्टीमेटम, बाकी जितनी जल्दी तैयार हो जाए हमारी कोशिश है। अच्छा, लेकिन इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि इसके ठीक पीछे आप देखिए NDMC का बिल्डिंग है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे बहुत जल्दी इस तरह के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को बनाया जा सकता था, लेकिन उसकी बजाय रामलीला मैदान में इसको बनाने का काम हो रहा है और इसको बनने में अगले 10 से 12 दिन और लगेंगे इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में। और इस सब के बीच जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, जो कोरोना के मरीज हैं वो दर दर भटक रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन बेड है ना ICU बेड है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जल्द से जल्द फैसला करने की ज़रूरत थी और जल्द से जल्द इसको क्रियान्वित करने की ज़रूरत थी। लेकिन राहत की बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे 500 बेडों का हॉस्पिटल ICU वाला बनाया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि मई के महीने में पीक पे हो सकता है कोरोना, और उसको देखते हुए अब दिल्ली की सरकार ये तैयारी कर रही है। हजारों मजदूरों को यहाँ पे लाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन ये भी सवाल आज के दिन पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब जल्द से जल्द फैसला लेने की ज़रूरत थी तब इतने बड़े लेवल पे इस रामलीला मैदान में इस 500 बेड के ICU हॉस्पिटल को बनाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध थे अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने, जिसमें बहुत सारे स्टेडियम्स हैं दिल्ली में, बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर हैं जिनमें जल्द से जल्द इस तरह के हॉस्पिटल को बनाया जा सकता था। बहरहाल यहाँ रामलीला मैदान में 500 बेडों का ICU हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से परिजनों को, कोरोना मरीजों को,
जिस तरह से दर दर भटकना पड़ रहा है, जिस तरह से उनके पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए चाहे सरकारी में चले जाए, कहीं भी आज के तारीख में बेड उपलब्ध नहीं है। लोग हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंस में हैं, अपनी गाड़ियों में हैं, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है, उनको बेड भी नहीं मिल पा रहा है, आईसीयू और वेंटिलेटर की तो बात ही अलग है। ऐसे में ये फैसला हो सकता है कि आने वाले वक्त में लोगों को राहत पहुंचाए और एक साथ 500 आईसीयू बेड का ये हॉस्पिटल एक नया विकल्प बन सकता है आने वाले वक्त में। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। मियां रफीक मोहम्मद, सारिया थामा तो मायूस अते निराश होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी। सब तो पहला कम करन दा वायदा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जद तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा, मोबाइल 84374 94648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल, मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा, मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी, प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा, मोबाइल 98 788 0485 88 6 87 588 38 617।